हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग बात करेंगे लेटर राइटिंग का। तो यहाँ पे एक लेटर राइटिंग है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खास करके जो एचएस का स्टूडेंट्स है उसके लिए, क्योंकि एचएस में जो लेटर राइटिंग आते हैं अक्सर इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं। हम तो ये नहीं कहेंगे कि यही आएगा, लेकिन गेस कर सकते हैं कि इसी टाइप का आता है, और जो लेटर राइटिंग है इसी में से आएगा कुछ। तो ये लेटर जो पोस्ट मास्टर को लिखा है, तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अबाउट द डिले इन द डिलीवरी ऑफ अ वेरी अर्जेंट लेटर एड्रेस्ड टू यू ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द पोस्टमैन। तो बोल रहा है कि पोस्ट मास्टर को एक लेटर लिखना है हम लोगों को, जिसमें ये कंप्लेन करना है, ये शिकायत दर्ज करना है कि आपके पास जो है एक अर्जेंट लेटर जो है आते आते रुक गया है, जो आपके पते पर जो है लिखा गया था। और ये जो हुआ ये नेग्लिजेंस ऑफ द पोस्टमैन, मतलब पोस्टमैन की जो नेग्लिजेंस है, जो लापरवाही है, उसकी वजह से आप तक वो लेटर, आपके अर्जेंट लेटर जो है आप तक पहुँच नहीं पाए हैं अभी तक। तो ये शिकायत जो है आप जो है पोस्ट मास्टर जो है उसको दर्ज करना है लेटर में लिख के। तो इसको हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, जो बहुत ही आसान अंदाज में हम लिखे हैं, आसान भाषा में लिखे हैं, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लेटर का जो नियम है, जो कानून है, उसको पहले लिखना होगा हमें, जिसको सैल्यूटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सैल्यूटेशन को लिखने से पहले यहाँ पे टू लिखना होगा सबसे पहले, आपको मालूम ही है। तो टू, इसके बाद कोमा देना होगा, अगेन कोमा, नेक्स्ट द पोस्ट मास्टर, मतलब जिसको आप खत लिख रहे हैं, द पोस्ट मास्टर बर्दवान पोस्ट ऑफिस, जहाँ आपका पोस्ट ऑफिस है यहाँ आप उसका नाम दीजिएगा, और जहाँ जो आपका जो पता है वो एड्रेस यहाँ पे दे दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हम बर्दवान पोस्ट ऑफिस दिए हैं, और कोलकाता जो दिए हैं अपना घर एड्रेस। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, आपको ये सब्जेक्ट ही जो है पूरे लेटर पर असरअंदाज करते हैं, पूरे निर्भर करता है सब लेटर पर। तो सब्जेक्ट में देखिए क्या लिखना होगा आपको, कंप्लेन अगेंस्ट द डिले इन द डिलीवरी ऑफ अ अर्जेंट लेटर। ओके, अगर आपको कंप्लेंट्स करना है इस लेटर में, किसी चीज़ के बारे में कंप्लेंट के बारे में लिखने बोला है, तो सबसे पहले आप यही दीजिएगा कि कंप्लेन अगेंस्ट। ओके, इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो दीजिएगा, द डिले इन द डिलीवरी ऑफ ए अर्जेंट लेटर, मतलब एक खत की ना आने की वजह की शिकायत। ओके, इसके बाद देखिए जो मेन बॉडी है उसको लिखना होगा। तो बॉडी के लिए आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे जो जरूरी है कुछ इस्तेमाल वर्ड्स इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सर लिखना होगा पहले। ओके, सर के बाद कोमा, अब जो बॉडी शुरू करेंगे आप, स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए जो है कुछ सैल्यूटेशन चाहिए, जो कुछ अदब चाहिए, कुछ डिसिप्लिन चाहिए आपको कि हम कैसे लेटर की शुरुआत करें। तो यहाँ पे देखिए, With due respect, I would like to draw your kind attention to the fact that I am a resident of 97, MM Burman Street, Kolkata 7, under your post office. तो कह रहे हैं कि यहाँ पे with due respect, मतलब आपकी इज्जत को सामने रखते हुए, आपकी मैं इज्जत करता हूँ ये बात जतलाते हुए, मैं आपकी ध्यान को अपने तरफ जो है खींचना चाहता हूँ। और के किस बात को लेकर खींचना चाहता हूँ, यही कि मैं एक रेसिडेंट हूँ आपके पोस्ट ऑफिस, जहाँ भी एड्रेस है आपका पोस्ट ऑफिस का, उस एड्रेस की पोस्ट ऑफिस का मैं एक रेसिडेंट हूँ, मैं एक बासिंदा हूँ। तो मैं आपको जो है इस बात पर जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल करना चाहूँगा, ठीक है। इसके बाद ये सैल्यूटेशन हो गया आपका, यहाँ तक टू से लेकर यहाँ तक आपका सैल्यूटेशन हो गया। अब जो मेन बॉडी आएगा, मेन बॉडी बहुत ज़रूरी है। ओके, लेकिन उससे ज़रूरी है कि सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन आपके लास्ट में जो लिखेंगे
वो जरूरी है और ये जरूरी है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। ओके, तो इसके बाद देखते हैं बॉडी को। तो यहाँ पे देखिए हम मेन बॉडी में आ गए हैं। तो मेन बॉडी में सबसे पहले हम लोग लिखे हैं, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट इरेगुलर एंड लेट डिलीवरी ऑफ लेटर्स एड्रेस टू मी हैव बीन काउजिंग ग्रेट ट्रबल्स टू मी फॉर सम टाइम। मतलब यहाँ पे अपना जो मेन आपका जो मकसद है लिखने का लेटर, वो लिखना होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे ये बात बहुत ख़राब लग रही है, बात बहुत जो है, मैं ये बात जो है आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आपकी जो इरेगुलर और लेट डिलीवरी वाला लेटर है मेरा, जो मुझ तक पहुँचने वाले थी, जो है ये बहुत ट्रबल कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं मुझ में आने तक। कुछ दिनों से जो है मैं एक लेटर के लिए बहुत परेशान हूँ जो अभी तक मेरे पते पर जो है नहीं पहुँचा है। फुल स्टॉप। आई एम सॉरी टू से दैट आई रिसीव्ड एन इम्पॉर्टेंट लेटर फ्रॉम NIOS सेंट इन द मंथ ऑफ मे एज इट। मैं इस बात को कहने पर बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं एक लेटर जो है रिसीव करूँगा NIOS जो सेंड करेगा मुझे, तो किस महीने में? महीने में। तो आप जब भी आपका मंथ होगा, टाइम होगा, वो दीजिएगा। हम यहाँ पे मे यूज़ किए हैं, आप कोई भी महीना यूज़ कर सकते हैं जब आपका जो पर्सनल टाइम होगा। तो अभी तक मैं जो है टिल येट, मतलब अभी तक जो है मैं उस लेटर को जो है रिसीव नहीं कर पाया। आई थिंक दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द इरेस्पॉन्सिबल पोस्टमैन एंड ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस। मैं सोचता हूँ, मैं ये ख्याल करता हूँ कि शायद इसकी वजह सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है इरेस्पॉन्सिबल पोस्टमैन, मतलब जिम्मेदार लापरवाही वाला जो पोस्टमैन है हम लोग के ऑफिस में, इसी की वजह से जो है ये सारी लेटर जो है गड़बड़ी में है, ट्रबल में है। इरेस्पॉन्सिबल मतलब लापरवाही, जो जिम्मेदारी से काम नहीं करता उसको इरेस्पॉन्सिबल कहेंगे हम लोग। तो याद रखने की बात यह है कि पोस्ट मास्टर अलग है और एक पोस्टमैन अलग है। पोस्ट मास्टर को ये लेटर लिखा जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पे बोल रहा है कि इरेस्पॉन्सिबल पोस्टमैन, तो ऑफिस में जो रहता है पोस्टमैन जो लेटर पहुँचाते हैं वो है पोस्टमैन। तो ये कह रहा है कि उसी की वजह से जो है मैं शायद ये सब हैपेंड हुआ, मतलब ये सब जो चीज़ें हुआ अभी तक ट्रबल हुआ, लेटर नहीं पहुँचा, लेटर की कमी, इसी की वजह से हुआ। ये हो गया आपका बॉडी यहाँ तक। इसके बाद जो सैल्यूटेशन है लास्ट वाला, उसको हम लोग करेंगे। सब्सक्रिप्शन। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू डू द नीडफुल एज अर्ली एज पॉसिबल। इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है मेरी ज़रूरत को जल्द से जल्द, जहाँ तक आपसे मुमकिन हो सके वो करें, सो दैट आई गेट दैट इम्पॉर्टेंट लेटर विदाउट फर्दर डिले एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट सच इरेगुलरिटी इन फ्यूचर। ताकि मुझे वो इम्पॉर्टेंट लेटर मिल सके ज़्यादा लेट ना करते हुए, ज़्यादा देरी ना होते हुए, और आप कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे जो है ये इरेगुलरिटी जो है, जो ये चीज़ें चल रही है, प्रॉब्लम या ट्रबल चल रही है लेटर्स को लेकर पोस्ट ऑफिस में, ये फ्यूचर में ख़त्म हो जाए। तो ये हो गया उसका सब्सक्रिप्शन। अब देखिए जो नीचे लिखना होगा आपको वो होगा थैंक्स। यहाँ पे आप थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप डेट भी दे सकते हैं जब लिखे हैं डेट, और जो राइट साइड है यहाँ पे लिखे हैं योर सेल्फ फुल्ली, और नेम अपना नाम दीजिएगा नीचे। ओके, तो यहाँ तक हो गया लेटर समाप्त। तो आपको ये लेटर कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिए, और आपको अगर किसी तरह का या फिर कोई लेटर चाहिए जो आपका नेसेसरी है, चाहे वो रियल लाइफ में है या एग्ज़ाम में आने वाला लेटर हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ये लेटर बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके HS के एग्ज़ाम के लिए। तो देखने के लिए बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। टाटा।